अरे आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा। राजनीतिक दुनिया की हर मंत्री खबरें, अपराध पर कसा छाना, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर का सच यानी पूरा सच देखना ना। या कौन सा, विच कैमरा, दिस वन, ओके सेंटर, ओके हां सौरव, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मूवी इज ग्रेट टिल नाउ, लाइक इंटरवल वर्क तक का मूवी बहुत अच्छा रहा है, बहुत थ्रिलर रहा है, बहुत थ्रिलिंग रहा है, एंड कुछ भी हमें होस्ट टाइप में दिखने रहा, थैंक यू, बट एवरीथिंग इज वेरी रियल, लाइक कुछ फिक्शन नहीं होके भी एवरीथिंग इज सीन्स रियल, तो ये आप लोगों ने कैसे मेंटेन किया? आई थिंक आवर डायरेक्टर शुड, मैं आई विल से हाउ आई with my team started this, uske baad I'll have these guys talk about it. Hum log, main Harish Vyas, Takim Imam Shwani, hum log jab when the germ came and when we were developing the story, the only one thing that I had in mind was ke aisa kuch create karna hai jo relatable ho youngsters ke sath. Jaise hum log ek spontaneous trip ke liye agar kahin jaate hain, aur in fact in my younger days I had taken so many of adventures and spontaneous trip like those. उसमें कई बार आप ऐसी जगह पे जाते हैं और लेजेंड्स को नहीं मानते हो, स्टोरीज को नहीं मानते, सुपरस्टिशंस मानना भी नहीं चाहिए किसी को, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन सुपरस्टिशंस एंड देयर सम बिलीफ्स, सो यू कैन नॉट ऑलवेज चैलेंज अ बिलीफ, एंड फेथ और बिलीफ का वैसे कोई लॉजिक नहीं होता. सो द यंगस्टर्स, सिक्स यंगस्टर्स गोइंग ऑन एडवेंचर ट्रिप, एंड एडवेंचर ट्रिप गोइंग हॉरिबली रॉन्ग, दिस इज द होल फिल्म अबाउट. और चूंकि बहुत रिलेटेबल बनाने की कोशिश की है, इसमें ऐसा कोई भूत और कोई घोस्ट फेसेस नहीं दिखाए हमने, इट्स द साइकोलॉजी, इट्स देयर माइंड प्लेइंग गेम्स विद ईच अदर एंड समथिंग गोइंग रॉन्ग विद वन आफ्टर द अदर, दैट्स व्हाट इज शोन. आई वुड से सुजैना मुखर्जी, पुनीत, इवन माई अदर कास्ट ऑल्सो, आदिल चौधरी फ्रॉम कैनेडा एंड शी इज अ पाकिस्तानी नेशनल ऑल्सो, हैरी जो गोल्डी का जिसने रोल किया है, देवनीता, एनी, सब ने बहुत अच्छा काम किया, बट पर्टिकुलरली आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद बिकॉज राशि का कैरेक्टर सुजैना ने करा है, एंड शी इज़ द फर्स्ट गर्ल, शी इज़ द मोस्ट डोसाइल, इसमें वैसे दिखाई हमने, बाकी सब थोड़ा थोड़ा अलग आई वुड से कैरेक्टर्स हैं, एंड शी इज़ द वन हु एक्चुअली लीड्स इट टिल द एंड, यू वुड सी इट एंड यू वुड बी अमेज्ड. And I am blown by this girl's acting prowess. And trust me, I have a couple of good projects lined up. And we are working together. And it's fantastic. Even Puneet, who started with me about 8-10 years back with one of the television programs, has done so fantastic in it. And you would see these guys work with the biggest of the people in this industry. Yeah. Suzanne, our director, has appreciated you a lot. Now it's your time to say something about him. How was the experience? No, about the film. Yeah, not about the film and also working with the director. Oh, it was like one 25-day workshop, honestly, because we met right on set like 3 days before. And I think the chemistry between all six of us was very, very natural. And especially like, जैसे सर को लगा था कि मेरा कैरेक्टर इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, हाउ इट्स गोना टेक द मूवी फॉरवर्ड, फॉर मी इट वाज दीपक्स रोल, मेरे को समझ ही नहीं आता था, सो वी वर सो कंफ्यूज विद ईच अदर्स रोल्स कि हमारी आई थिंक एक्टिंग में भी इट हेल्प बिकॉज वी डेंट नो हाउ वी वर रिएक्टिंग टू ईच अदर, एंड आई थिंक दैट केम वेरी नेचुरली, एंड आई थिंक वी इम्प्रोवाइज ऑल्सो अ लॉट ऑन दिस, यू नो, बहुत ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके. And Deepak, these two characters
would have not worked the way they have, the film would have not been the same. Because ek character hai, one who takes them into that trip, and then there's this girl, which Rashi plays, this very, very strong-headed, but simple-looking girl. And agar in dono se kuch zara sa bhi off the line jaate to gadbad hoti. Sorry, continue. So yeah, I think it was a lot of fun. It was a lot of hard work also. And though we didn't shoot chronologically, but it felt a lot like that, hai na? Matlab, by the time we were shooting the climax, I still remember actually felt sick because like the whole vibe of the place, the whole energy had gotten so intense that physically I couldn't handle it at the time. I remember like it was really hard, and it was also a lot of fun because it felt so real, and I think that's what's showing in the film. Yeah, your experience, like your character is a little different by everything, and you are like seem to be like hypnotized or something like that. Yeah, don't reveal. You're kind of revealing it. So you are seem to be a little different in the movie. Actually, so how was portraying your character? How difficult was it? So character actually बहुत difficult था मेरे portray करना. So director sir ने बहुत help की मेरी. और हरीश जी थे, दिलीप सर थे, हरीश जी थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की करेक्टर के लिए और कैसे इसको प्ले करना चाहिए उसके बारे में बहुत इनपुट दिया उन्होंने. और एक चीज़ इनकी पहले से क्लियर थी कि ये रियल है, रियल में हॉरर में कोई आपको ऐसा कोई भूत नहीं दिखता है कि ये भूत आ गया, बड़ा सा फेस दे गए, डरावना सा फेस लेके. तो उन्होंने रियल रखा है, हमने स्टार्टिंग से कहा था कि रियल चीज़ें होंगी, आप रियल फील कीजिए. इसलिए हमें सर ने अथॉरिटी दी कि जितना आप इम्प्रोवाइज़ कर सकें, क्योंकि आपके रियल इमोशंस बाहर आने चाहिए बिकॉज स्टोरी भी रियल है. तो सर की वजह से ये सब और पॉसिबल. सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि हम लोग एक बात कर रहे हैं. देखिए द मोस्ट द फियर और द स्केयर इज नॉट जस्ट बिकॉज द डार्क. क्योंकि क्या होता है कि रेगुलर आप हॉरर फिल्म्स पर्टिकुलरली जैसे फिल्म्स आप देखते हैं हमारे मतलब ऑल ओवर द ग्लोब इनफैक्ट, तो डार्क का सहारा लेके हॉरर ही होता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट फिल्म लाइक सिक्स्थ सेंस, आई थिंक दोज आर फैंटास्टिक फिल्म्स जहाँ पर इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग. एट द सेम टाइम द फियर इज राइट in the broad daylight say maybe when you tread the unseen path, sometimes it's very, very scary. Okay. Yeah. Okay. Thank you sir. Sir, सबसे पहले पिक्चर के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग रोल आपने किया है जी, कुछ बताइए आपने क्या किया है. सर, ये जो फिल्म है भानगढ़, एक हॉरर फिल्म है. छह छह छह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? छह छह, थोड़ा बूम फास्ट में करो. ये फिल्म हमारी छह, ये हॉरर फिल्म है और छह लोगों की जर्नी है. उनके इन छह लोगों की इस पूरी जर्नी में काफ़ी करेक्टर डिफरेंट होते हैं, कई चीज़ें उनके अंदर से निकल के आती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं रिलेशनशिप को लेकर या जर्नी को लेकर, एडवेंचर को लेकर. ऐसी कुछ बाउंड्रीज होती हैं लाइफ में भी और कुछ एरियाज में भी जो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए. कुछ लिमिट्स इंसान की लाइफ में होनी चाहिए, जो वो क्रॉस कर जाता है तो उसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये कहानी अच्छी है. सो ना मैम, आपने भी मूवी देखा है, तो आपको कैसे लगा इनका कैरेक्टर और ये मूवी का कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है? कैरेक्टर पहले तो मुझे अब पता चला कि ही इज़ द हीरो ऑफ दिस फिल्म. ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं एंड हमने साथ में बहुत सारा काम भी किया है. तो ऑफकोर्स मैं तो इसकी शुरू से ही फ़ैन हूँ और इसकी एक्टिंग मुझे हमेशा से अच्छी लगती है. और रही बात हॉरर मूवीज़ में, हॉरर मूवीज़ मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है और लड़कियों को लव हॉरर्स. एंड मैं हिस्टोरिकल प्लेस इतने ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट यहाँ पर किले को देखकर मैं नहीं जाने वाली. अब इस किले में दोबारा किसी भी किले पर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, इस किले में तो मैं नहीं दोबारा जाऊँगी सीरियसली. सो आई लव दिस फिल्म, जितनी भी मैंने देखी मुझे बहुत अच्छी लगी. अच्छा अगर बात करें तो आपका तीन रोल इसमें देखने मिल रहा है, बच्चे का और थोड़ा एक्शन में. जी जी, तो कितना डिफेक्ट पड़ा ये रोल में तीनों में काम करने का? सर बहुत टफ रहता है क्योंकि तीनों के अपने अपने एंगल है, अपने अपने जो बच्चे वाला उसमें बड़ा चाइल्डिश में लाना पड़ता है, उसके बाद कट्टू आपका नेक्स्ट सीन होता है जिसमें आपको एकदम मैच्योर बनना है, तो आपको एकदम से जंप करना पड़ता है. फिर उसके बाद एक ऐसा जिसमें आप थोड़ा डरा रहे हैं, थोड़ा आपके अंदर भी कुछ जैसे आत्मा आ जाती है उसको भी आपको प्ले करना है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना तीनों को बहुत टफ था सर मेरे लिए करना. तो डायरेक्टर सर ने काफ़ी हेल्प की, को एक्टर बड़े सपोर्टिव थे जिनके कारण ये पॉसिबल हो पाया. अच्छा बात करें तो आपने काफ़ी सीरियल किए और काफ़ी ये किए, तो वो सीरियल और ये मूवी में कितना फ़र्क है? सर ऑब्वियसली सीरियल और मूवीज़ में फ़र्क होता ही है, उनके ट्रीटमेंट. एक्चुअली क्या होता है सर, मूवीज़ में आपका पूरा करेक्टर डिफाइन किया जाता है स्टार्ट से, तो सीरियल में ऐसा होता नहीं क्योंकि तुरंत आप स्टोरी लिखनी पड़ती है, TRP का चक्कर रहता है. एक फिल्म है उसमें आप एक करेक्टर की पूरी लाइफ जी सकते हैं.
तो ऑब्वियसली सर फिल्म बेटर होती है सीरियल से प्ले करने एज एन एक्टर बहुत बेटर थी सोनम मैम आपने अभी आपने तो आपको कभी हॉरर मूवी करने का या ऐसा करने का कोई नहीं मुझे बचपन से बड़ा शौक है लाइक जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तब से बहुत है कि मैं हॉरर मूवी करूँ अभी तक तो मौका नहीं मिला नाउ लेट्स सी इन फ्यूचर ओके यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज नेटवर्क पर वीडियो सहित पूरी डिटेल दे सकते हैं और हमारे जी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें